अब हम कॉनकेव मिरर के रूल देखेंगे। कॉनकेव मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एफ से पास होती है, और जब सी से कोई रेज जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है, और जब एफ की ओर रेज हम सेंड करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब हम पोल पर फॉल करते हैं, कोई रेज पोल पर फॉल होती है तो उस केस में सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल से ये आगे बढ़ जाती है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इसमें होता है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल देखेंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे पास होती है तो कॉन्वेक्स मिरर में तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो जाती है, और ऐसा फील होता है कि ये रेज एफ से आ रही है। दूसरा, जब पोल पर कोई रेज फॉल करती है तो सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल से रिबाउंस हो जाती है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इसमें होता है। जब किसी रेज को हम फोकस की ओर सेंड करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो जाती है, और जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर सेंड करते हैं तो रिफ्लेक्शन मिरर से रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन देखते हैं। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। एक स्फेरिकल मिरर इज दैट पार्ट ऑफ मिरर का वो पार्ट होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ग्लास के एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। अगर हम मिरर के आधे पार्ट पर अगर ब्लैक पेपर लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मिरर की इमेज पर? आफ्टर कवरिंग द हाफ बाय ब्लैक पेपर टू मिरर और लेंस द ब्राइटनेस विल बी हाफ। ब्राइटनेस आधी हो जाएगी। अगर हम लेंस या मिरर पर ब्लैक पेपर कवर कर दें तो उसकी जो भी इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस हाफ रहेगी, आधी हो जाएगी ब्राइटनेस। इमेज फाउंड बाय प्रोजेक्टर के द्वारा बनाई गई इमेज इज रियल होती है। अब इसमें हम दो पॉइंट देखेंगे, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑब्जेक्ट ए बी इज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, उस रिफ्रैक्शन के बाद एफ से होती हुई चली गई है, ये एफ है यहाँ पर। उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, सीधा चली जाएगी। ये दोनों रेज जहाँ पर एक्चुअल मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनेगी, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। और यहाँ पर हम एक स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पर हम इसको आसानी से देख सकते हैं, ये रियल इमेज है। उसी तरह से प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, सपोज हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, या एक पेंसिल हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं तो उसके पीछे प्लेन मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनती है, लेकिन एक्चुअल में हम पीछे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पेंसिल नहीं होती है, तो ये वर्चुअल इमेज है। ये एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के। ए बी एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब पास कराते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद एफ से चली जाती है रेज। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, इसको बैक साइड पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं, और ये वर्चुअल इमेज है, जबकि ये दोनों रेज एक्चुअल में ये मीट नहीं करती हैं। यहाँ पर एक्चुअल में मीट करती थी, इसका एक दोनों रेज का एक कॉमन पॉइंट था, यहाँ पर कॉमन पॉइंट नहीं है, एक्चुअल मीट नहीं करती हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, इरेक्ट या अपराइट, दोनों का सेंस एक ही है। रियल इमेज हमेशा
इन्वर्टेड बनती है। लेंस, व्हाट इज लेंस? लेंस इट इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस के द्वारा बाउंड किया गया ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होता है लेंस। ये दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, पावरफुल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए कॉनकेव मिरर को हम टॉर्च में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में इसका यूज़ करते हैं, हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं और सर्च लाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस की लार्ज इमेज को देखने के लिए सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के दांत की इमेज को, बड़ी इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट, दांत के जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर, इसमें हम सिक्स टाइप देखेंगे, अलग अलग लोकेशन पर कैसी इमेज बनी है, उसका नेचर क्या है। पहला पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो हमेशा पैरेलल रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इनफाइनाइट से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद एफ पर मिलती है, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इनफाइनाइट से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से एफ पर मीट करती हैं, दोनों का एक कॉमन पॉइंट एफ है यहाँ पर, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनती है, पॉइंट इमेज बनती है, बहुत छोटी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो नेचर क्या है? हाईली डिमिनिश्ड इमेज और रियल इन्वर्टेड फिगर बनती है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होता है, सी से थोड़ा सा आगे होता है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये पास कराएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से ये पास हो जाएगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा पास कराएंगे, उसी रास्ते से वापस रिटर्न आ जाएगी, दोनों रेज एक दूसरे को ए डैश पर इंटरसेक्ट करती हैं, और एक रेज यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग एक रेज जाएगी, और यहाँ से रिटर्न होने के बाद वापस चली जाएगी, इसकी इमेज बी डैश पर बनेगी। तो दोनों की इमेज यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बनी, इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड फिगर है ये, तो रियल इन्वर्टेड, और दूसरा पॉइंट डिमिनिश्ड फिगर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ये, छोटी फिगर बनेगी। थर्ड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। दो रेज हम पास करा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से चली जाएगी, दूसरी रेज एफ की ओर सेंड करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश है यहाँ पर, दोनों रेज ए डैश पर मिलती हैं, और एक रेज हम यहाँ से भी पास कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग एक रेज जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो इमेज नेचर क्या है इसका? इमेज फाउंड इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। दूसरा, सेकंड नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड फिगर बनता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन जब रखते हैं, सी और एफ के बिटवीन, प्रिंसिपल एक्सिस पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से सीधे ये पास हो गई, आगे बढ़ गई, दूसरी रेज हम पोल पर फॉल कराते हैं, नॉर्मल से एंगल आई ये बनता है, और इसी नॉर्मल से एंगल आर बनाते हुए ये सीधा रिबाउंस कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी रेज, दोनों का कॉमन पॉइंट ए डैश होगा, दोनों रेज ए डैश पर मिलती हैं, इसकी इमेज
बी डैश ए डैश होगी जो इन्वर्टेड फिगर है। इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी और रियल इन्वर्टेड फिगर बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखते हैं तो इनफाइनाइट पर इमेज बनती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है। प्रिंसिपल इसीज के पैरेलल पास कराते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से चली जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो इसका नेचर, इमेज फॉर्म्ड इज एट इनफाइनाइटी, इनफाइनाइटी पे इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। सिक्स पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच जब रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें वर्चुअल फिगर बनती है और बिहाइंड द मिरर फिगर बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास कराते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये एफ से चली जाएगी। दूसरा, एक दूसरी रेंज जो हम सी से लेके जाते हैं, सी से रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। इसको बैक साइड पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ पर इस ये मिलती हैं, एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज होती हैं। इमेज फाउंड इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है।